रहे हैं। अब आते हैं बेटा सबक के खुलासे की तरफ। सबक का खुलासा बड़ा अहम है, अगर सबक के खुलासे को आप समझ लें तो आप पूरे के पूरे सबक को समझ जाएंगे। पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है, मैं यहीं पर इसकी बात करूंगा, ज़्यादा हम सबक को पढ़ते हुए देखेंगे और सवालात यहाँ पर देख लेंगे, सवालात कौन कौन से हैं। तो सबक का खुलासा देखते हैं कि सुकरात कौन था। एक तो ये बात है कि बेटा सुकरात जो है उसकी पैदाइश जो है यहाँ पर लिखी है आपकी किताब में सफ़ा नंबर 12 पर, 470 बरस 470 ईयर्स पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 470 साल पहले पैदा हुए हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 399 ईयर्स पहले वफात पा चुके हैं। इसका मतलब है इनकी पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले हुई है। उसका हिसाब लगाएं तो एक MCQs भी हल हो जाता है कि इनकी कुल उम्र बनती है 71 ईयर्स। तो MCQs में आ सकता है कि सुकरात की कुल उम्र कितनी थी, 71, 72, 73, 74, तो आपने 71 बरस लिखना है। तो सुकरात की कुल उम्र मैंने बता दी और कब पैदा हुए, 470 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हुए और 399 साल पहले वफात पा चुके। तो इसका मतलब है कुल उम्र 71 ईयर्स बनती है बेटा सुकरात की। सुकरात एक फ़लसफ़ी था जिसकी कुल उम्र जो है 71 ईयर्स बनती है। यही आपका सवाल नंबर वाओ है, सुकरात ने कितने बरस की उम्र पाई, तो 71 बरस की उम्र पाई। ये सबसे पहली बात थी जो आपने देखनी है। तो सुकरात एक फ़लसफ़ी था बेटा, ठीक है। कहाँ पैदा हुआ सुकरात? पैदा हुआ है यूनान के एक शहर में जो उस वक्त उसका दारुल हुकूमत था, जिसका नाम था एथेंस। एथेंस में उसकी पैदाइश हुई है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। उसका बाप जो था वो एक बुत तराश था, बुतों को बनाने वाला। इसलिए सबसे पहले जो बाप काम करता रहा उसने पहले वही काम किया, उसने बुतों को तराशने का हुनर सीखा और पहले संतराश बन गया। लेकिन फिर इस काम को उसने छोड़ दिया और फिर आ गया फ़लसफ़े के ऊपर, ठीक है, फ़िलासफ़ी के ऊपर। तो फ़लसफ़ा उसने फिर पढ़ना शुरू कर दिया और फिर एक फ़लसफ़ी बन गया। उसने फ़लसफियाना तहरीरें भी लिखी हैं सुकरात ने। और इब्तदाई ज़िंदगी में उसने, क्योंकि उस दौर का ये कानून होता था इब्तदाई आइन के मुताबिक, वो फ़ौज में लोग भर्ती होते थे, तो शुरू इब्तदा में वो अपने मुल्क की फ़ौज में भर्ती हुआ। बड़ा एक निडर किस्म का शख्स था, उसने कुछ लोगों की जान भी बचाई है, जिनमें दो नाम आपकी किताब के अंदर लिखे हुए हैं, ज़ुनूफ़न और एल्सिबाइड्स, ठीक है। ज़ुनूफ़न जो इसका शागिर्द भी था, एल्सिबाइड्स एक अमीर शख्स का बेटा था, तो इन दोनों की उसने जानें भी बचाई। तो इक्तज़ाए आइन की वजह से फ़ौज में भर्ती हुआ है, यही सवाल नंबर आपका जीम है, ठीक है, कि सुकरात को फ़ौज में क्यों भर्ती होना पड़ा। तो उस दौर का कानून था कि इंसान सबसे पहले लाजमी है उसके लिए कि वो जब नौजवानी की उस उम्र में पहुँचे तो वो फ़ौज में भर्ती हो जाए। तो सुकरात यूनान एथेंस में पैदा हुआ, बाप बुतराश था, पहले संतराशी सीखी फिर फ़लसफ़ी बन गया और अपने मुल्क के कानून के मुताबिक फ़ौज में भर्ती हुआ है। फ़लसफियाना तहरीरें लिखने लग गया, जिसकी वजह से लोग, कुछ शायर थे कुछ फ़लसफ़ी थे, वो उससे जलन महसूस करने लगे और हसद करने लगे उससे। और फिर क्या हुआ जी, एक शायर था जिसका नाम यहाँ पर तहरीर नहीं है, शायर ने हजब लिखी। हजब के लिए कहते हैं बेटा अपनी किसी शायरी के अंदर किसी की बुराई को बयान करना, उसे कहते हैं हजब, ठीक है। तो शायर ने हजब लिखी, क्या लिखा सुकरात के बारे में, कि सुकरात जो है वो नौजवानों के अखलाक को ख़राब करता है और उनको वालदैन की इताअत से रोकता है। ये लिख दिया अजब के अंदर उस दौर के एक शायर ने कि ये सुकरात जो है उस हसद की वजह से, सुकरात ऐसा नहीं था, हसद की वजह से लिख दिया कि ये सुकरात जो है ये नौजवानों के अखलाक को ख़राब कर देता है और उनको रोकता है कि तुम अपने वालदैन की इताअत ना करो। यही सवाल नंबर अलिफ है। सवाल नंबर अलिफ, सुकरात के मुखालफीत में उन पर क्या इल्ज़ाम लगाए? एक इल्ज़ाम ये लगाया नौजवानों के अखलाक को ख़राब करता है और दूसरा ये लगा दिया इल्ज़ाम कि वो वालदैन की इताअत से उनको क्या करता है, रोकता है। फिर क्या हुआ, केस चला बेटा, अदालत में चले गए, ठीक है। अदालत में जहाँ पर गए वहाँ पर तो उन्होंने किराए के, जिस तरह आपको पता है गवाह मंगवाते हैं, तो किराए के गवाह मंगवाए और लोगों ने, कुछ बंदों ने इसके ख़िलाफ़ गवाही दे दी, झूठी गवाही, और उसकी वजह से अदालत ने इसको मुजरम ठहराया, कहा तुम है ही मुजरम हो, ठीक है, और तुम क्या करो, तुम्हें सज़ाए मौत है, ठीक है। सज़ाए मौत उस दौर में ये होता था कि वो लोग उनको फांसी नहीं लगाते थे, सरगर्म नहीं करते थे, जहर का प्याला पीना पड़ता था। उनके दोस्तों ने उनको कहा सुकरात को कि हम ऐसा निज़ाम करते हैं कि उस वक्त के अंदर जो दारोगा जेल है उसको पैसे देते हैं और तुम्हें छुड़ा लेते हैं। लेकिन सुकरात ने कहा मैं भागूंगा नहीं, मैं अपनी जान का नजराना पेश कर दूंगा और मैं हक पर हूँ और हक की वजह से होने पर हमेशा ज़िंदगी में मुझे याद किया जाएगा। तो कहते हैं उसने आखिरकार क्या किया, जहर का प्याला पीना कबूल कर दिया, ठीक है। तो सुकरात के लिए क्या सज़ा तजवीज़ हुई, सवाल नंबर बे,
यही हुई कि उसको गर्दन जदनी की जाए, तो गर्दन जदनी यानी कि उसको मार दिया जाए, तो मारने के लिए उस दौर में कानून था कि क्या होता है, जहर का प्याला पीना आपको पड़ता है, तो उसने जहर का प्याला पीना शुरू कर दिया बेटा। इसके बाद बताया गया उसकी एक बीवी थी, ठीक है, जो बड़ी बदअखलाक थी, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, हम किताब के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी आदत, उसको सह सह कर उसकी सख्तियों को और उसकी बुरी आदतों को, तो उसके अंदर बड़ी जो है वो क्या होती थी, नरमी आ गई थी सुकरात के अंदर, ठीक है, इसलिए वो सख्तियों को बर्दाश्त करने वाला बन गया था। इसके बाद बेटा आखिर में जो है सबक के आपको सुकरात की तालीमात का खुलासा मिलेगा, सुकरात कहता क्या था, यही सवाल नंबर आपका है, सुकरात की तालीमात का खुलासा तहरीर करें, ठीक है। और सुकरात की तालीमात का खुलासा यहाँ पर चंद पॉइंट्स में लिखा है, हम किताब के अंदर भी पढ़ेंगे। पहली बात है वो इक्तसाब इल्म का कहता था, वो कहता था कि इल्म को हासिल करो, किसी उम्र में भी, किसी उम्र की कैद नहीं है, आप उम्र के किसी हिस्से में आप इल्म को हासिल कर सकते हो, इल्म को हासिल करना चाहिए। वो कहता था कि मैं जाहिल को वाजिब रहम समझता हूँ, मैं जाहिल को समझता हूँ कि उस पर रहम किया जाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा वो रहम के काबिल उसको समझता था जिसका उस्ताद जाहिल हो। कहते हैं उस्ताद जाहिल है तो फिर सारे के सारे लोग क्या होंगे आगे, जाहिल होंगे। तो जाहिल को वाजिब रहम समझता था। इसके अलावा वो ज़मीर की पैरवी, कॉन्शियंस की पैरवी करने की ताकीद करता था, कहता आपका ज़मीर अगर ठीक है और आपको सही बात कहता है तो किसी से डरो ना, अपने ज़मीर की पैरवी करो, ठीक है। इसके बाद वो आम मकबूलियत को एक ख्वाहिश, वो जुनून की तरह समझता था। आम मकबूलियत ये कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ पर आपका शुमार अच्छे लोगों में किया जाए, आपको पहचाना जाए, आप शोहरत याफ्ता वहाँ पर हों, आपको लोग जाने, तो आम मकबूलियत को जुनून की हद तक समझता था कि इंसान जहाँ पर रहे तो लोग उसको अच्छे तरीके से जाने, अच्छे अल्फाज में याद करें। इसके बाद आखिरी बात है कि वो अक्ल की मुखालफत को नाजायज़ समझता था। आपको पता है बेटा फ़िलासफ़र जो हैं, फ़लसफ़ी जितने भी होते हैं, वो हर बात को अक्ल पर परखते हैं, अक्ल पर परखते हैं, ठीक है। इसलिए वो कहता था अक्ल की मुखालफत नाजायज़ है, अक्ल की मुखालफत ना करो। कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहता है कि जब उनके जहन में एक बात आती है और उनको पता होता है ये बात ठीक है, फिर भी उसकी मुखालफत करते हैं, वो डरते हैं, वो कहते हैं कि यार शायद कोई खारजी अमर, वो बाहर वाला इंसान मुझे रोक दे। तो कहते हैं जब भी कोई बात आपकी अक्ल कह रही है कि वो ठीक है तो उसको कर गुजरो, लोगों से डरो नहीं, और लोगों को ऐसे समझो कि ये बेजान चीज़ें हैं। ये आखिर में उसने अक्ल की मुखालफत नाजायज़ पर बात की है। तो ये है मुख्तसर तालीमात का खुलासा। इसके शागिर्दों में जनूफन है और अफलातून है, यही सवाल नंबर दाल है आपका कि उसके शागिर्द कौन कौन थे। एक का नाम है जनूफन और एक का नाम है अफलातून। तो ये है पूरे सबक का खुलासा जो इंतहाई मुख्तसर मैंने बयान कर दिया। आपका सवाल नंबर 3 भी हल हो गया, बीच में कुछ सवालों को भी मैंने बता दिया कि आपके इस हिस्से में कौन कौन से सवाल हैं। इंशाल्लाह हम सबक को पढ़ते हुए भी सवाल देखेंगे। सुकरात यूनान में पैदा हुआ, एथेंस के मुकाम पर, बाप बुत तराश था, पहले संग तराशी सीखी, फिर फलसफी बन गया। आइन के मुताबिक पहले फौज में भर्ती हुआ, कुछ लोगों की जानें बचाई उसने, जनूफन और एल्सीबाइड्स जिसमें शामिल हैं, फलसफियाना तहरीरें लिखीं, लोग इससे हसद करने लगे, उसके मुखालफत में शायर ने उसकी बुराई बयान की, इस कहा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये नौजवानों के अखलाक को ख़राब करता है, इनको वालदैन की इताअत से रोकता है। केस चल गया अदालत में, अदालत में झूठे गवाह पेश किए गए, अदालत ने इसको मुजरम ठहराया, इसने भागना कबूल न किया, जहर का प्याला पी लिया और अपनी जान दे दी। लोग इसके मरने के बाद फिर समझे कि वाकई ये हक पर था। इसके शागिर्दों में जनूफन और अफलातून नामी जो है इनके शागिर्द शामिल हैं। सुकरात की तालीमात में सबसे पहली बात यह कि वो कहता था इनको हासिल करो, ख्वाह किसी उम्र में हो, जहर को वाजिब रहम समझता था, अपने ज़मीर की पैरवी करो, आम मकबूलियत को जुनून की हद तक समझता था, कहता था कि आम मकबूलियत होनी चाहिए, और अक़ल की मुखालफत को नाजायज़ समझता था। यह है इसकी तालीमात का खुलासा। हम देख लेते हैं कुछ अशार जो आपको हर वक्त जो है वो आपके मुख्तलिफ सवालात में काम आते हैं। सबसे पहला जो शेर है वो है फारूक दरवेश की लिखी हुई गज़ल का एक शेर, बड़ी खूबसूरत गज़ल इन्होंने लिखी हुई है, और जिसमें से एक शेर यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। कहा है उन्होंने कि सिखाया किसने शोलों से खेलना मुझको, सिखाया किसने शोलों से खेलना मुझको, मेरे खुदा मेरे अंदर ये कौन बोलता है, मेरे खुदा मेरे अंदर ये कौन बोलता है। तो ये शेर है फारूक दरवेश का, एक खूबसूरत गज़ल है उनकी, उसमें से एक शेर यहाँ पर मौजूद है कि सिखाया किसने शोलों से खेलना मुझको, मेरे खुदा मेरे अंदर ये कौन बोलता है। दूसरा शेर है हबीब जालिब का लिखा हुआ, हर शख्स सर पर कफन बांध कर निकले, हर शख्स सर पर कफन बांध कर निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती, हक पर जो लड़ता है ना बेटा वो बगावत नहीं है। तो हर शख्स
अपनी जान का नजराना पेश करे, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं है बल्कि शहादत की मौत है। एक और शेर है जो जहाँ पर मैंने जिक्र किया है, वो आपकी निसाबी किताब की एक गज़ल है, फैज़ अहमद फैज़ की बड़ी खूबसूरत गज़ल है। सफ़ा नंबर 226 पर आप जाएंगे तो इस गज़ल को आप पढ़ेंगे 226 पेज पर, ठीक है। दूसरी गज़ल है कि कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। उस गज़ल का एक शेर है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं जिस धज से कोई मक्तल में गया, जिस धज से, ठीक है, बड़ी शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। वो शान क्यों, हक पर है बंदा और फांसी गार्ड पर गए, अपनी जान दे दी, वो शान हमेशा सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। कहते हैं इंसान की ज़िंदगी में मौत तो आनी जानी है, और अगर इंसान हक पर मर जाता है तो वो हमेशा जान जो है वो ज़िंदा रहती है, लोग उसको याद करते। तो फैज़ अहमद फैज़ का ये खूबसूरत शेर है। तो ये तीनों अशआर, सिखाया किसने शोलों से खेलना मुझको, मेरे खुदा मेरे अंदर ये कौन बोलता है, फारूक दरवेश का लिखा हुआ। हर शख्स सर पे कफन बांध करने के लिए, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती, हबीब जालिब का शेर। और फैज़ अहमद फैज़ का शेर है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये तीनों की तीनों अशआर आप हर एक सवाल के अंदर, अगर मशकी सवाल आपका आ जाता है पेपर के अंदर तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अशआर याद करने में बेटा बाज़ का बच्चे भूल जाते हैं, मुश्किल पेश आ जाती है। ये अशआर आप किसके अंदर लिख सकते हैं, अपने सवालात के जवाबात के अंदर। ये शेर आप खुलासे के अंदर भी लिख सकते हैं, यही शेर आप अपनी मतन की तशरीह के अंदर भी लिख सकते हैं। तो आज के सबक में हमने बड़ा एक अहम हिस्सा हल कर लिया है सबक का। आप सबक को पढ़ेंगे इंतहाई आसान हो गया सबक, हमने सवालात को भी बीच में देख लिया है, वहाँ पर भी देख लेंगे, और उसके बाद एक सवाल आपका ग्रामर का रह जाएगा। तो आज के सबक में हमने पढ़ लिया हालाते ज़िंदगी मेहदी अफादी के, अदबी खसूसियात मेहदी अफादी के, खुलासा सबक का इसके अंदर सवालात और कुछ अशार जो आपको काम आएंगे। तो ये एक आपके सामने बेटा छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसमें बहुत चीज़ों को मैंने हल कर दिया है आपकी आसानी के लिए। आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपका होमवर्क ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ क्या करें, मेहदी अफादी के ऊपर लिखे हुई हालात ज़िंदगी के बबल मैप बनाएं। एक तो ये आप कर लें, बबल मैप आपने लाजमी बनाना है, ठीक है। उसके अलावा आप खुलासा के पॉइंट्स लिखें, पूरा खुलासा बेशक तहरीर ना करें, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सिर्फ आपका खुलासा है, ये हिस्सा जो बोर्ड का है, ठीक है, सात अशार ये वाला हिस्सा आपने अपनी कॉपी के ऊपर तहरीर करना है और बबल मैप बनाना है। ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क है। और आपने होमवर्क में, और आपने अपनी पेज, अपने जो सफ़ा नंबर 10 है उसको हाईलाइट भी आपने ख़ास चीज़ों को करना है, मुश्किल अल्फाज के मानी भी तहरीर कर लेने। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी किताब की और अपनी कॉपी की पिक्चर निकाल कर वो मुझे सेंड करनी है। अगले इंशाल्लाह लेक्चर में हम सबक को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे अब थोड़ा तेज़ पढ़ें, ताकि हम अहम अहम चीज़ें जो हमारे पेपर के हिसाब से हैं तो उसको हल कर लें और आपके लिए आसानी पैदा हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बेटा कि आप इसी तरह मेहनत को जारी रखें।